सेंट्रल एजेंसीज की हेल्प के नाल अजरबैजान दे विच उन्हों डिटेन कराया है। तो देर इज़ इनपुट अबाउट अनदर अक्यूज जिहड़ा परस्यू किया जा रहा है। तो यह जिहड़े अक्यूज हैगे इन्हां दी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन दे विच आया हैगा कि जिहड़ा रजिंदर जोकर सीगा यह पहले तो नेपाल दे विच स्टेशन सी। सो ही वॉज़ इन टच थ्रू गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ जिहड़ा कि मास्टर माइंड सीगा मर्डर का, ही वॉज़ ऑलसो मास्टर माइंड ऑफ देयर एस्केप प्लैन। सो मोस्टली मुंडी ते कपिल कट्ठे रहे हैगे ते दे हैव शिफ्टेड बेस हरियाणा राजस्थान यूपी तो होंदे हुए दे रीच्ड वैसट बंगाल। इन्हां दी प्लैनिंग सीगी कि नेपाल दे थ्रू इन्हां नूं यह प्रोमिस किया गया सी कि थोनू दुबई दे विच फेक पासपोर्ट्स ते सैटल करा देंगे ते नेपाल तो थ्रू आइदर लैंड रूट यूजिंग भूटान ते उस तो बाद म्यांमार थाईलैंड जांदा या जे इन्हां नूं फेक पासपोर्ट डिलीवर हो जाते नेपाल दे विच ते काठमांडू तो फ्लाइट फड़ के बैंकॉक ते फिर दुबई एस्केप का प्लैन सीगा। तो इंटरोगेशन दे विच हाले प्रिलिमिनरी स्टेज ते यह भी गल आई है जिहड़ी कपिल पंडित की इंटरोगेशन है कि उसनों लॉरेंस बिश्नोई ने अप्रोच किया सीगा थ्रू संपत नेहरा एंड गोल्डी बराड़ कि सलमान खान नूं टारगेट करन लई ते अलोंग विद सचिन बिश्नोई एंड संतोष यादव जिहड़ा शूटर महाराष्ट्र फड़ा गया सीगा। तो इन्होंने काफ़ी इलैबोरेट रैकी की सी एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन मुंबई। तो इन्वेस्टिगेशन दे विच असी ए एंगल भी वेरीफाई कर लाँगे। तो यह जिहड़ा शुभदीप मर्डर केस हैगा साइंटिफिक तरीके नाल सारिया दे कोऑपरेशन नाल फ्रॉम द वेरी डे जदों यह केस शुरू होया सीगा 29 मई का इंसीडेंट हैगा। तो 30 मई नूं सानूं ब्रेक थ्रू मिली सी जिहड़ी वो गड्डी दे विच जस्ट टू रिकाउंट कि जिवें दो शूटर्स करोला दे विच सीगे, चार शूटर्स बुलेरो दे विच सीगे जिहनूं असीं बुलेरो मोड्यूल तो करोला मोड्यूल कहिंदे। करोला मोड्यूल वाले जिहड़े शूटर सीगे वो जग्गू भगवानपुरी ने प्रोवाइड किए सी जिहड़े एनकाउंटर दे विच न्यूट्रलाइज हो गए दोवें। जिहड़े ये चौथा बंदा सीगा जिहड़े जिहड़ा करोला दे विच सीगा दीपक अलोंग विद अदर थ्री पीपल वर अरेस्टड बाई दिल्ली पुलिस। तो वो जिहड़ी स्लिप सीगी वो फतेहाबाद हरियाणा ट्रेस हुई सीगी। उस तो बाद असी अगे CCTV फुटेज उहदा स्टडी करके उहदे च प्रियमवंत की शिनाख्त हो गई सी। उस तो बाद द रूट वॉज आइडेंटिफाइड असी टैक्निकली जिहड़े टावर डम्स चके सीगे ते वी हैड प्रिपेयर्ड अ रूट ते कोऑपरेशन विद अदर एजेंसीज वॉज डन। सानू पहली ब्रेक थ्रू मिली सी जदों उत्तराखंड दे विच एक मुंडा जिन्हें कार प्रोवाइड की सी वह मनप्रीत भाऊ ते मनप्रीत मन्ना ट्रेस हुए सीगे। उन्हां दी इंटरोगेशन तो बाद 31 नूं असी जेल दे विच सारज मिंटू नूं प्रोडक्शन रिमांड ते लिआंदा सीगा। ते एक सिलसिलेवार असी इस इन्वेस्टिगेशन नूं अगे वधाया है ते कामयाबी हासिल कीती है। वी आर कमिटेड टू इंश्योरिंग जस्टिस इन द शुभदीप केस ते साडा एंडेवर होऊगा कि पुख्ता केस बना के सारे मुलजमान नूं कन्विक्शन की जाए। जिहड़े बाहर बैठे हैं उन्होंने भी वापस लियाण लई एक्सट्राडिशन लई रैड कॉर्नर नोटिस गोल्डी बराड़ का भी जारी हो गया है ते वी आर परस्यूइंग ऑल लीड्स। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट मिस्टर प्रमोद बांड टू स्पीक ब्रीफली ऑन द इन्वेस्टिगेशन एंड देन वी विल वेलकम एनी क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग। जीवित सर ने पहले ही दस्या ये शुरू तो ही बहुत ही साइंटिफिक तरीके नाल लीड्स नु फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन चली है ते कड़ी बदर कड़ी वारी वारी करके एक एक बंदा पावे हो रेकी करन वाला सिंगर पावे हो एक्चुअल शूटर सीगे पावे दूजे सपोर्ट प्रोवाइडर सी हर एक नु अरेस्ट किया गया विद एग्जैक्ट रोल विद एग्जैक्ट रोल हर एक का की है उन्होंने डिफाइन करके हम चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। जिहड़ा यह बंदा एक शूटर रहिंदा सीगा शुरू तो ही इहदे मगर असीं इहदे बाकी होर एजेंसी ते लगे हुए सीगे तो वी गॉट द फॉलो अप लीड्स ऑन दैट। तो आवर पार्टीज वेंट टू वेस्ट बंगाल एंड फाइनली दे हैव अरेस्टेड एंड नो वापस लेकर आए सी। सो इस सारी तफ्तीश के दौरान इट वाज एन इंपॉर्टेंट केस साइड तफ्तीश के दौरान एज पर गाइडेंस फ्रॉम CM साहब एंड DGP साहब एक एक चीज सिलसिलेवार सारी एजेंसीज नाल लेके ते सारी एजेंसीज के कोऑपरेशन में नाल ए तफ्तीश की गई है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ DGTM DG सर एंड ऑल द अदर स्टेट एज वेल सिविल एजेंसीज जिन्होंने कोऑपरेशन नाल ये सारा मसला हल किया। मैं अभी दसना चाहूँगा कि CM साहब ने रेगुलरली वो केस की मोनीटरिंग करते सी कि हर दो हफ्ते बाद ते चीफ मिनिस्टर साहब इन्वेस्टिगेशन दे रिव्यू करते सी कि विदाउट इंटरफेयरिंग कि असी प्रोफेशनल तरीके नाल इंटरफेरेंस की है बट देर वॉज दिस स्ट्रोंग पोलिटिकल विल टू सॉल्व दिस केस एंड टू एस्टैबलिश द रूल ऑफ लॉ बाई इंश्योरिंग जस्टिस। सर एक तो है कि बार बार है क्योंकि पुलिस को बारों को चैलेंज करना चाहिए कल
ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਲੈਂਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਟਿੰਗ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ देखो जी जिथो तक गोल्डी का सवाल है देखो जी आई विल नॉट रिएक्ट टू द स्टेटमेंट्स ऑफ अ फ्यूजिटिव नो आई विल नॉट नहीं इज ही मैम इज ही एन अथॉरिटी सो आई विल नॉट देखो जी कोई गल नहीं जी उरे लावांगे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगे जब गोल्डी आऊंगा जी नहीं मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरमीत चौहान जी डिटेल से दस देंगे पर अदरवाइज देखो एक दिन कल असी फड़िया है एक कपिल पंडित की इंटरोगेशन के आया हूँ देखो संतोष यादव भी फड़िया जा चुका महाराष्ट्र तो जिहड़ा दूजा बंदा हैगा वो डिटेन हो गया जिहड़ा बिश्नोई सचिन बिश्नोई है सो असी सिस्टमैटिक तरीके जिहड़े भी इन्होंने डिस्कलोजर दी है दैट इज़ टू बी येट टू बी कोरोबरेटेड मतलब असी 100% उस पर यकीन नहीं कर सकते तो असी दूजिया नू लावांगे इंटरोगेशन करांगे निशानदेही करावांगे जे लोड होएगी अपनी पुलिस पार्टी बॉम्बे भेजांगे जी तो हाले इट इज़ वेरी प्रिलिमरी डिस्कलोजर जी देखो जी सारा कुछ तो असं नहीं शेयर कर सकते ना करा जी पर जमें मैं ब्रीफली दसिया जी स्टेटा च रहे है ना दीपक तो यह कट्ठे थे जी दीपक एंड कपिल वर्क टूगैदर हरियाणा देखो दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स वैसट बंगाल राजस्थान हरियाणा यूपी बिहार एंड वैसट बंगाल ब्रॉडली इस एक सुनियोजित तरीके प्लैंड तरीके उस बॉर्डर आउटपोस्ट तक पहुंचे सर कपिल पंडित जोकर है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਰਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਰ नहीं असी देखो जी सप्लीमेंटरी चार्जशीट फाइल करांगे अदरवाइज इट इज़ वेरी क्लीयर कि गोल्डी जिहड़ा हैगा वो लिंच पिन चलो मतलब मैं लोड तो वध क्रेडिट गोल्डी नूं भी नहीं दिंदा क्योंकि इहदे च कई कई कड़ियां जुड़ियां हैगी पर मेनली मतलब वो अगे कन्वे जावे इन्हां दा उरे नैटवर्क हैगा टैलीफोन ते इन टच हुंदे आ तां ही असी जिहड़े बंदे पनाह दे रहे हैगे जिहड़े बंदे पैसे दे रहे हैं असी सारिआं नूं नॉमीनेट करके गिरफ्तार कर रहे हैं एंड स्पेसीफाइंग द रोल ऑफ ईच परसन मैं दस्या सी ना 23 अक्यूज असी अरैसट किए जी तो 2 अक्यूज न्यूट्रलाइज हो गए जी तो हुण तक 35 अक्यूज नेम्ड है जी देखो जी उन्हां दे बयान ते उन्हां दा असीं बहुत रिगार्ड करदे हां ते इन्ना वड्डा नुकसान होया है ते सानूं पता कि साडे उपरालियां तों कदी जो नुकसान होया वापस नहीं आ सकदा बट वी स्टैंड विथ हिम फुली सरदार बलकौर सिंह ने बहुत ही मैच्योरिटी नाल सारा मसला हैंडल कीता है ते असीं उन्हां दे बयान ते फॉर योर इनफॉर्मेशन जिन्हां ते उन्हां नूं शक सीगा उन्हां दा स्टेटमेंट असीं लिखिया है ते उन्हां नूं नॉमीनेट कर लिया एज अक्यूज्ड ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ
स्पेसिफिक कमेंट इन्वेस्टिगेशन बारे नहीं दे सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है उन मुलजिमों बारे जी। सर कुछ सिंगर्स की भूमिका से भी सवाल उठे गए सी, उन्होंने सानू बयान, उन्होंने सानू बयान दिता है जी, तो उस दे बेस से असी इन्वेस्टिगेट करेंगे जी। देखो जी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है एक स्टेट लेवल की नोडल एजेंसी है, पर इन्हों का काम हैगा कोआर्डीनेशन करना ते स्पेशल वड्डे ऑपरेशन करने। अदरवाइज हर SSP का, मैं सारे यही कहता, हर SSP, हर सब डिविजनल DSP, हर SHO का यह काम है कि क्राइम क्रिमिनल्स ते गैंगस्टर्स के खिलाफ वो एक्शन करे जी। इन्हों का रोल हैगा टू कोआर्डीनेट, दूजी स्टेटा नाल तालमेल करना, जे इन्हों को वड्डी इन्फॉर्मेशन होंगी जिले च आपस आपस के विच तालमेल करना। आई रिक्वेस्ट मिस्टर बान टू एलैबोरेट। जी, जैसे डी साहब कह रहे हैं, जब से एजीटीएफ बनी है उदो तो ही ना केवल बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ बल्कि ने क्या हर एक जिले च कौन कौन से रजिस्टर्ड क्रिमिनल्स केड़े-केड़े हैगे आ उन्होंने खिलाफ की कार्रवाई बननी, जो जेल च बैठे वो की करी जा रहे हैं, उन्होंने की एक्टिविटी हैगी है, जेल तो लिया के उन्होंने की पूछगिछ होगी है। हर जिला व टास्क वट के सारे SSP सारे DSP यही काम कर रहे हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग टोटल कोऑर्डिनेशन एंड एनालिसिस एज वेल एज ऑल सपोर्ट। सर बार बार लिंडा का नाम सामने आ रहा है, बार बार लिंडा का नाम सामने आ रहा है, किसी भी केस में अच्छी देख लिए अमृतसर वाला जरा एक भी केस होया या फिर कुरुक्षेत्र वाला जरा बंदा फड़ा नक्षत्र सिंह मोदी या हो सुखदेव से हो हैप्पी, ये बार बार पाकिस्तानी जरा लिंडा बैठा है या फिर लिंडा का फाइनेंशियली या फिर एक्सप्लोसिव इधर लैके हूँ कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि इन्हों का नाम गैंगस्टर के नाल भी जुड़ रहा है। RPG अटैक मामले से भी दीपक से दीपांशु का नाम सामने आ रहा है जरा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो केस। देखो जी, इतने पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के विच इन्हों का नाँ आया, असी इन्हों नॉमीनेट किया है। इनफैक्ट जिहड़ा नछत्तर सिंह वाला ऑपरेशन सी बहुत वधिया ऑपरेशन पुलिस का होया, उहदे विच घट तो घट 25 जिहड़े लंडा के जिहड़े कॉन्टैक्ट हैगे उहदा नवा नैटवर्क एक्सपोज होया है, सारयां नूं असी नॉमीनेट किया है ते उस ऑपरेशन तो इन्हों नूं बहुत वड्डी सैटबैक बैठी। अदरवाइज देखो जी, ISI दे डायरेक्शन से जिहड़े बंदे उत्थे बैठे हैगे असी ते उन्हां नूं टैररिस्ट समझदे, उहदे विच भावें इह गैंगस्टर सीगे इहनां दा पिछोकड़, साढ़े लई जिहड़े बंदे ने टैररिस्ट क्राइम किया है ही इज़ अ टैररिस्ट एंड ही विल बी ट्रीटेड एज सच। नहीं देखिए, हमारी टीमें वहाँ पहले से थी तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। नहीं बाजवा साहब, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जी गल है थोड़ी वरीसम भी है क्योंकि पहले तुम देखोगे जमे ब्लास्ट हुए सी या जमे अपना शिंगार ब्लास्ट सीगा उस तो बाद सीगा ते इन्हों जे टेररिस्ट एलीमेंट्स है इन्हों रिक्रूट नहीं मिल रहे थे क्योंकि देखो जो पंजाब का यूथ हैगा वो टेररिज्म की आइडियोलॉजी नाल नहीं एसोशिएटेड है। पर एक नाभा जेल ब्रेक के पहली बारी 2016 के पहली बारी टैररिस्ट गैंगस्टर निक्सस वेखन च आया तो इन्हों गैंगस्टर्स एज कैनन फॉर्डर वरत्या जा रहा है, एक दूजे देश की एजेंसी जी है इन्हों वरत रही हैगी अतवादी घटनावान अंजाम देने लिए। देखो जी, देर आर मैनी, मैं विदाउट टेकिंग नेम्स जो असं इंटरोगेशन करने कई गैंगस्टर कहें जी ठीक है जी असं गैंगस्टर है गलती हो गई है पर असी एंटी नैशनल नहीं है। सो इस तरह की देखो क्रिमिनल क्रिमिनल है जी, तो कुछ गैंगस्टर है जी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग जी। नहीं जी, वो तो असं करा जी, मोटिवेट करा, बट अभी गिरफ्तार होया सी, कहा जा रहा है कि कुछ इस दे विच खुलासे होए ने कि स्लीप
पेपर सेल पंजाब दे विच तैयार कीते गए ने 24 तो 25 बंदे जिहड़े ने ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਚੜਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਛੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹੂ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ ਐਨ ਆਈ ਈ ਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਈ ਈ ਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਸੋ ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ ਕੈਨ ਮੇਕ ਐਨ ਆਈ ਈ ਡੀ ਬਟ ਦਿਸ ਇਟ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਰੀਸਮ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦਾ थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग कि उन्हें एक्चुअली असी जदों उन्हों पुछगिछ की तो वह आई ई डी बना सकता है सो इस तरह के बंदे नैचुरली फिर वरते जा सकते हैं ड्रोन ड्रोन रही जी अगस्त 2019 तो ड्रोन डिलीवरी शुरू हुई देखो जी बी एस एफ ने रैदर मैं एप्रीशिएट करदा चंगा काम करके बॉडर से टाइटनेस वधाई है जी जे तुसी पूरा एक ओवरऑल परसपैक्टिव देखो नैशनल लैवल से बिकॉज ऑफ बी एस एफ की मुस्तैदी करके ए ड्रोन शुरू हुए जी ए तो देखो चूहे पिल्ली का गेम है जी कैट एंड माउस गेम है भी पहले रिवराइन बॉर्डर क्रॉसिंग्स होंगे सी जो उत्थे सख्ती करती हूँ ड्रोन शुरू करते हूँ इन्नी सख्ती हो गई है पंजाब बॉर्डर से कि हूँ सी रूट ज़्यादा यूज़ हो रहा सो यह चलता रहेगा उन्होंने अपने हथकंडे चेंज करने असी अपनी टैक्टिस चेंज करेंगे काउंटर करने ਕਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ देखो जी मेजरली नहीं जी नहीं बाजवा साहब 95% आरडीएक्स डिलीवरी इज स्टिल थ्रू पंजाब बॉर्डर एक्सप्लोसिव जड़ा ते वेपन मोस्टली पंजाब बॉर्डर ते ड्रोना दे थ्रू आंदा है हेरोइन जड़ी हैगी वो जम्मू बॉर्डर तो सी रूट तो आती सी रूट तो क्योंकि अनसेफ है वड्डे कंटेनर दे विच आंदे है जी सो मे बी दे फील कि कितने जो ट्रैप हो गया किसी होर ने वरत लै सो हाले असले ले अदरवाइज रिकवरीज हुई हैं सी रूट तो भी असला आया है जम्मू बॉर्डर तो भी असला आया है बट अदरवाइज मोस्टली जड़े एक्सप्लोसिव हैगे वो पंजाब बॉर्डर तो ही आते हैं टारगेटेड उन्होंने ड्रोन डिलीवरी जोन है उत्थे ही ड्रोन लैंड करते हैं हाँ जी बाजवा साहब बहुत ज़्यादा जी मतलब बेटा इस साल ही ना जी इस साल ही जी मतलब माई फिगर्स मे बी आउटडेटेड आई थिंक 125 के करीब ड्रोन सॉर्टीज आई जी पिछले साल तो 1.5 गुना ज्यादा है सो देर इज़ अ इनक्रीज ऑफ 50% जे पिछले साल 80 के करीब आई होनी ਹੁਣ 120-123 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੀ ਡਰੋਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਲਸੋ ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਅਲਰਟ ਆਈ ਸੈਟਲ ਜੈਸੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦਾ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਬੋਟਮਸ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਟੋਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਬੋਥ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡਾ ਟੋਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਏ ਜੀ ਟੀ ਐਫ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਐਮਪਾਵਰਡ ਫੀਲ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਸੋਰਸਿਸ ਬਣਾਏ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ 'ਤੇ ਪਏਗੀ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਫੋਰ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਪਲੀਜ਼